हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू देने जा रहे हैं केंट स्मार्ट शेफ होम अप्लायंसेस का क्लासिक हॉट एयर फ्रायर। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पे एक और बॉक्स था जो हमने खोले, उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकला। चलिए मेन बॉक्स खोल के देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये है, मेरे मामा ने भेजा था राखी के गिफ्ट के लिए मेरे मामा को। डब्बा फालतू का है, उसमें देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। खाली डब्बा है। और मम्मा शांत कराओ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आवाज के साथ। तो उसके अंदर था खाली, बस एक और ऐसा ही फोम का पीस था। तो खोल लेते हैं आराम से, तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। ठीक है, खुल गए। यहाँ पे थोड़े से प्रीसेट हैं। प्रीसेट तो नहीं है, पता नहीं क्या है, बता रखे हैं कि कितने देर में कितने आपको, हाँ कितनी देर में आपको, कितनी देर में क्या क्या कितने सेल्सियस लगेंगे। तो इसको खोल के देख लेते हैं। प्लास्टिक की पॉलिथीन साइड में जाएंगे। तो ये वायर सबको पता होगा, ये वायर है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके स्टार्टिंग का मुंह ऐसा दिखता है, इसको हम निकालेंगे। अरे इसके अंदर एक और चीज़ है, पता नहीं क्या है, ग्रिल टाइप लग रहा है ये, ऐसा लगता होगा। हटो आपको, तो मेरी बहन है, आप जानते ही होंगे इसको। आपको साइड हो जाओ, बोलना मत, ठीक है। ग्रिल ट्रे लग रही है आपको, दो तो पेपर मुझे। हाँ देखते हैं ये क्या है। बेक ट्रे होगी शायद से, नहीं फ्रेंच फ्राइज। हाँ फ्रेंच फ्राइज। हाँ तो फिर ये एक बेक ट्रे ही है। अगर हमको कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह तलने हैं तो हमको यही रख के करना होगा, ताकि नीचे टच ना करे, हमेशा ये रख के करना होगा। इसके इंस्ट्रक्शंस थे कि हमेशा ड्राई ही यूज़ करें, इसके ऊपर कुछ ना रखें। बस इसमें यहाँ पे टेम्परेचर मेरे हाथ में क्या लग गया है, यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोल भी है, 0 से लेकर 200 तक के। यहाँ पे एक टाइमर भी है 0 से 30 मिनट्स तक के। तो इसमें फ्रेंच फ्राइज बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी जब तक फ्रेंच फ्राइज बनती है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं, एक सेकंड सॉरी। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं फ्रेंच फ्राइज तलने। यहाँ पे है अक्कू। अक्कू क्या खाओगी तुम? फ्रेंच फ्राइज। अच्छा ठीक है, हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। अपने मोबाइल को कहाँ टिका लें, यहाँ पर टिका लेते हैं, यहाँ पे एक सेकंड। हाँ तो यहाँ पे हमारा एयर फ्रायर तैयार है। तो गाइज यहाँ पे हमने हल्का सा ऑयल से गार्निश कर दिया है इसको। फिर अब हम इसको तलने के लिए रेडी है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंच फ्राइज 180 के लिए। तो यहाँ पे एक एरो है, फोकस नहीं हो रही है। यहाँ पे मैंने 180 सेट कर दिया है। इसको हमने अंदर डाल दिया है और क्या है 12 to 15 मिनट्स। तो कितना हमको करना है, 14 मिनट्स कर देंगे। तो अंदर से खतरनाक आवाजें आ रही है। जब ये बनेगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कर रहे हो भाई दोनों किचन में बैठ के? अभी इतने सारे रिकॉर्ड किया, वेट कर रहे हैं हम फ्रेंच फ्राइज। अच्छा तुम लोग अनबॉक्सिंग करके और रिकॉर्ड भी कर लिए और सब कर लिए हम सोए थे तो। वाह वेरी गुड। तुम क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं भी थकी थी। थकी थी कि फ्रेंच फ्राइज खाने बैठी हो? पैर दुख रहा था। चलो अच्छी बात है। प्लेट लेके खड़ी हो, दिखाओ। देखो मैं ये लूंगी। प्लेट लेके खड़ी हो, क्या लोगी? फ्रेंच फ्राइज। हाँ इसमें। इसके अंदर होने ही वाला है। तो रेड जल रहा है, मतलब हो रहा है। अभी तक तो नहीं जल रहा था, अभी जल गया। नो तो टाइम लगता है। कर दे बंद मोबाइल। नहीं मुझे पसंद है वो सब। कैप्चर द मोमेंट।
होने वाले ये बंद हो गए ना, मतलब होने वाले, मतलब कुकिंग बंद हो गई है। मुझे तो और आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग बंद मत करना, कुछ भी हो जाए। हो गया, ये वाह कितना टेस्टी दिख रहा है। हुआ भी एक लाल तो हुआ नहीं, वो स्माइली लाल हो गया, ये नहीं हुआ है ना। इसको थोड़ा और करना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे चाहिए कुछ। तुमको चाहिए? हाँ, मुझे भाई निकाल रहा है, देगा तुमको, प्लेट लेके खड़ी है। तो गाइस ये हो नहीं रहा था तो मैंने 10 मिनट और रख दिया। मैंने स्माइली भी डाले थे, 3 हुआ, खा गई नम नम। निकालते हैं, अब हो गया बढ़िया है ना। मसाला मिर्ची और नमक डाल दिया, बहुत क्रिस्पी और अच्छा निकला है। बाय बाय गाइज। मैंने वापस बना के देखा है, पहले 180 सेल्सियस पे किया था, अब 200 पे किया है, तो ज़्यादा क्रिस्पी बना है। इस बार मैंने 20 मिनट्स के लिए भी किया था, तो टेस्ट मम्मा बताओ कैसा है। क्रिस्पी तो है, अब खाए भी नहीं। देखो ना आवाज़ आ रही है, कर रख ये देखो। अरे अच्छा।